आरंभ होइछि नेटवर्क 18 नो मेगा इवेंट राइजिंग भारत 2024 दिनव्यापी आयोजित होता एक 2024 कार्यक्रम भाग ने अनेक विशिष्ट अतिथि एथिरे राजनीति कला संस्कृति शिल्प उद्योग तथा सामाजिक स्तर में नेतृत्व नेउथुबा विशिष्ट व्यक्ति विशेष माने जोगदे विभिन्न प्रसंगे मानस मंथन करिबे। कार्यक्रम आज केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव महिला एवं शिशु विकास मंत्री स्मृति ईरानी योगदान करेंगे। वर्तमान केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एथिरे योगदान करिछंति जहार सीधा प्रसारण आपण देखि पारुछंति राइजिंग भारत न्यूज 18 ओडिया रो। बहुत भार है कंधे पर आपके। देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना एक एक पल एक एक क्षण देश के लिए समर्पित कर रहे हैं, तो हमारे जैसे कई कार्यकर्ताओं को लग जाना चाहिए, पूरी तरह से जुट ही जाना चाहिए। अश्विनी जी, जब 2047 की हम बात करते हैं, हम उस भारत की बात करते हैं जो विकसित हो चुका है, तो ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक रेल मंत्री अपने रेलवे नेटवर्क को उस वक्त कैसे पाता है? उस वक्त की ट्रेन हिंदुस्तान की जनता कैसे देख सकती है? देखिए, आज मोदी जी के 10 वर्ष के इस पीरियड में एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी बनी है। आज मोदी जी की 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष का प्लान, ये भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट, जनता के सामने, भारत की जनता के सामने एक स्पष्ट मैसेज है। इस 10 वर्ष की लेगेसी में आप देखो, रेलवे में प्रैक्टिकली करीब करीब बहुत सारे राज्य 100% इलेक्ट्रीफाई हो गए। 40,000 किलोमीटर रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, 60 वर्षों में 20,000, 10 वर्षों में 40,000, करीब करीब आपके 30,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, यानी जर्मनी का जितना रेलवे नेटवर्क है उतना रेलवे नेटवर्क भारत के रेलवे नेटवर्क में जुड़ा। पिछले साल 5,000 किलोमीटर जुड़े थे और इस साल भी कल की रिपोर्ट में देख रहा था 5,246 किलोमीटर कल तक रेलवे नेटवर्क में जुड़े, यानी हर साल एक स्विट्जरलैंड के बराबर रेलवे नेटवर्क भारत में जुड़ रहा है। टोटली नए जनरेशन की वंदे भारत ट्रेन्स आई, नमो भारत ट्रेन आई। आज वंदे भारत ट्रेन्स में हमारी जो मिडिल क्लासेस है और एस्पिरेशनल यूथ है उनको एक ऐसा अनुभव मिल रहा है जो दुनिया के बेस्ट से बेस्ट रेलवे सिस्टम में मिलता। नमो भारत ट्रेन अपने आप में बहुत ही सक्सेसफुल है रीजनल ट्रांजिट के लिए। अब वंदे भारत स्लीपर आ रही है, वंदे मेट्रो आ रही है, अमृत भारत ट्रेन आ रही है, तो ये सब जो आपने देखा इन 10 वर्षों में विकसित भारत बनाने के लिए जो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं, जो फाउंडेशन बनानी है, नींव बनानी है, वो नींव बनी है। अगले 5 वर्षों में इस नींव को और मजबूत करेंगे। मंत्री जी, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूं। आप कह रहे हैं कि ये नींव 2014 में रखी गई है, इससे पहले फिर क्या हो रहा था? इससे पहले अगर रेलवे की अगर मैं बात करूं तो रेलवे को एक दूध दोहने वाली गाय के बराबर समझा जाता था। ऐसी कंडीशन थी जिसमें रेलवे मिनिस्टर्स केवल किसी गाड़ी के स्टॉपेज या गाड़ी के एक्सटेंशन या नई गाड़ी के अनाउंसमेंट पे ध्यान देते थे, पटरियों की कैपेसिटी है कि नहीं उसकी कोई चिंता नहीं होती थी। इस तरह से रेलवे का प्रशासन चला रहे थे तत्कालीन तब के रेलवे मंत्री और तब की सरकारें, जिसमें रेलवे फोकस नहीं था, पैसेंजर फोकस नहीं था, केवल अपनी राजनीति फोकस थी। मोदी जी ने डीप पॉलिटिसाइज किया रेलवे को, रेलवे को एक टेक्निकल तरीके से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की तरीके से, नई टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब करने के तरीके से, उस चीज को मोदी जी ने अपने प्राइमरी फोकस में लेके आए। रेलवे के बजट को मर्ज किया जनरल बजट में, जहां मात्र 15,000 करोड़ के आसपास मिलते थे जनरल बजट से भारतीय रेलवे को, आज 2,52,000 करोड़ रुपए का रेलवे का बजट सपोर्ट मिलता है। काम फंडिंग बढ़ी, काम बढ़ा, कई तरह के रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे करीब करीब 38 ऐसे मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए जिसके कारण आज रेलवे एक ऐसी परिस्थितियों में आई है कि अब अच्छी एक फाउंडेशन बन गई 10 वर्षों में। आने वाले 5 वर्षों में इस फाउंडेशन को और स्ट्रांग करेंगे, कई जो नई टेक्नोलॉजीज लेके आए उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करेंगे और उसके बाद में उसके आगे वाले 20 सालों में रेलवे एक अलग नया स्वरूप देखेगी। चेंजेस रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं, यहां पर हर एक शख्स इस बात को मानेगा, लेकिन उसी रेलवे स्टेशन पर जब जाएंगे, ये बात सच है कि 41 वंदे भारत आ गई है, नमो भारत आ गई है, अमृत भारत आ गई है, स्टेशन पर आज भी जो यात्री है वो भीड़ को लेकर परेशान है,
ट्रेनों में जो रिजर्वेशन है उसे लेकर परेशान है। ये कितना टाइम आप मंत्री जी बता सकते हैं कि एक वो वक्त आएगा जब साल भर में ये जो 700 करोड़ का आंकड़ा है यात्रियों का सफर करने का वो 1000, 1200 या 1300 तक पहुंचे? 2030 तक 1000 करोड़ लोग पैसेंजर्स रेलवे में ट्रेवल करेंगे, उस हिसाब से कैपेसिटी बना रहे। देखो, ट्रेन में और हाईवे में एक फंडामेंटल डिफरेंस होता है। ट्रेन में आपको बिना पटरी के गाड़ी नहीं चला सकते, करेक्ट? रोड कैसी भी हो, कंडीशन कैसी भी हो, एक बार के लिए गाड़ी चल जाती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि रेलवे नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं, रेलवे के नई पटरियां बिछाना, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लाना, आपके कंप्लीट रेलवे के जो कंट्रोल सिस्टम है जिसको सेंट्रलाइज्ड ट्रेन कंट्रोल CTC कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी पे जाना, आपकी ट्रेन्स की एक्सेलरेशन डेसेलरेशन जो मतलब पिकअप और ब्रेक लगाने के बाद में रुकने की टाइम उसको कम करना 2x25 kV, बहुत मैसिव टेक्निकल वर्क है। उस पूरे टेक्निकल काम में जिस तेजी से काम चल रहा है, वी आर वेरी कंफर्टेबली आई कैन से विद गुड कॉन्फिडेंस लेवल कि 2030 तक 1000 करोड़ पैसेंजर्स को हर साल कैरी करने की कैपेसिटी हो जाएगी। आज हम करीब करीब 700 करोड़ पैसेंजर्स को कैरी करते हैं साल में। रेलवे देश का अगर पूरा नेटवर्क देखो, ट्रांसपोर्टेशन की इकोनॉमिक्स देखो, तो ट्रांसपोर्टेशन में करीब 700 करोड़ रेलवे से जाते हैं, करीब करीब 250 करोड़ रोड से हाईवे से जाते हैं और करीब 35 करोड़ एरोप्लेन से जाते हैं। तो ये अभी ये नेटवर्क है, इसमें ये 700 करोड़ 2030 तक 1000 करोड़ होगा। अच्छा, इन सालों में ऐसा क्या हुआ है कि आपने इतनी तेजी से ये सारी ट्रेनें, चाहे वो नमो भारत हो चाहे वो वंदे भारत हो, ये सिर्फ विल है या कुछ और भी चीजें थी जिसने इन एडिशन आपके इस काम को फास्ट ट्रैक पर ला दिया? तीन चीजें हैं। एक तो बहुत स्ट्रांग फोकस टेक्नोलॉजी लाने में, बहुत स्ट्रांग फोकस डीपोलिटिसाइज करने में रेलवे को, रेलवे का फोकस रेलवे की ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे ध्यान दें, रेलवे में एक तरीके से काम करने की पद्धति बदली। दूसरा, फंडिंग इंक्रीज की मोदी जी ने। तीसरा, पीएम साहब ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि चाहे कितने भी कठिन फैसले लेने हो, फैसले लो, फैसले लेके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नया रेलवे की मेंटेनेंस की पद्धति में नया एक सुधार हुआ है। पहले क्या होता था कि जिस दिन मेंटेनेंस करना है, मान लो पटरी है, पटरी पे डेली का डेली मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो जिस दिन आपको मेंटेनेंस का काम करना है उसी दिन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, मशीन्स, स्पेयर मटेरियल, सब लेबर सब आते थे, तो सुबह से शाम तक मान लो वेट करते थे, 4 या 5 बजे तक मान लो परमिशन मिलती थी, कभी परमिशन नहीं भी मिलती थी वापस चले जाते थे। ये एक ऐसी पद्धति जो 60-70 वर्ष तक चली। अब आज रेलवे में हर शुक्रवार को अगले 26 हफ्ते का, नेक्स्ट 26 वीक्स का डिटेल्ड प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट 26 वीक्स मतलब जैसे जापान में मेंटेनेंस की पद्धति है, या जर्मनी में, या जो डेवलप्ड कंट्रीज है विकसित, हर फ्राइडे करते हैं, वैसी की वैसी एडवांस्ड प्लानिंग अपना रेलवे भी कर रहा है। तो ये सब कठिन फैसले होते हैं, इसमें आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ आदत बदलने की आदत डालनी पड़ती है, एक नए तरीके से काम करने की मतलब प्रैक्टिस में आना पड़ता है। तो ये आसान काम नहीं होता, इसमें बहुत मेहनत और कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन विद द टॉप टू बॉटम मोस्ट लेयर। आज आप किसी सुपरवाइजर के पास जाके बात करो अगर, और मैं आप में से निवेदन करूंगा जो भी पाथवे इंस्पेक्टर हो, सेक्शन सुपरवाइजर हो, इनसे बात करें, इतने खुश है कि आज उनको मेंटेनेंस के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो मिलता है। मंत्री जी खुश है, मतलब इससे पहले तो आप कह रहे थे कि सब आराम से हो जाता था, सिर्फ पॉलिटिक्स होती थी, काम नहीं होता था, अब आप सिर्फ इस काम ही काम करा रहे हैं और वो खुश है? बिल्कुल खुश है। और आप वास्तव में जाके मिलो, मैं तो कम से कम लो लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे ऑफिशियल्स के साथ, जो कि ग्रुप बी ऑफिसर्स भी नहीं है, ग्रुप सी में जो काम करते हैं कर्मचारी, उनके साथ बहुत इंटरेक्ट करता हूं और उनसे बहुत इनपुट लेता हूं, बहुत फीडबैक भी लेता हूं। इतने खुश हैं इस बात से कि रेलवे का एक तरीके से जिस तरीके से चलनी चाहिए एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे मोदी जी ने
10 वर्षों में रेलवे को उस टेक्निकल स्टेज पे लेके आ गए। अश्विनी जी, दुर्घटना को लेकर मैं आपसे डिटेल में थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। स्पेशली कम हुई हैं दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन जो होते हैं वो आपने भी देखे हैं। आप कितने दिनों तक वहां पर रहे थे, आपकी आंखों में लोगों ने आंसू देखे हैं, वहीं उस जमीन पर पॉलिटिक्स भी देखी है। कवच को लेकर विपक्ष ने बहुत हमला साधा, क्या आपने कहा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा सिस्टम है कि इससे हिंदुस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जब हुआ तो उसने सबको जख्मी कर दिया। देखो, कवच एक टेक्नोलॉजी की क्लास है जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, एटीपी टेक्नोलॉजी। एटीपी टेक्नोलॉजी दुनिया भर के बड़े रेलवे सिस्टम्स में 1980 के दशक में चालू हुई, 1990 के दशक में काफी बड़ी मात्रा में लगी और 2000 के दशक में करीब करीब दुनिया के सारे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में फुल्ली एटीपी आ गया था। तब की सरकारें क्या करती थी? क्या उन सरकारों की जिम्मेदारी नहीं थी कि एटीपी लेके आए? क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि सेफ्टी पे इन्वेस्टमेंट करें, सेफ्टी के लिए जो नए टेक्नोलॉजी चाहिए वो लेके आए? कुछ नहीं किया उन्होंने। 2016 में पहली बार भारत में एटीपी टेक्नोलॉजी को मान्यता दी मोदी जी ने, 2016 में। 2016 मतलब सोचो, देश ने 1980 से लेके 2014 तक का पीरियड, एक तरीके से उस पीरियड में पूरा देश कवर हो जाना चाहिए था एटीपी टेक्नोलॉजी से। 2016 में मान्यता दी, 2019 तक उसकी पूरे सर्टिफिकेशंस मिले, 2020 और 21 में कोविड के कारण दिक्कत आई, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत तेजी से इस पे काम चला। अब करीब, और कवच भी एक कोई ऐसा नहीं कि एक डिवाइस है जो लगा दिया ट्रेन पे और होगी, ऐसा नहीं है। कवच पूरा एक सिस्टम है भाई। आपको पूरा रेलवे ट्रैक के साथ में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाना पड़ता है, जैसे एयरटेल या जियो या बीएसएनएल का नेटवर्क होता है, वैसे ही हर 7 या 8 किलोमीटर पे आपको टेलीकॉम टावर लगाने पड़ते हैं। उन टेलीकॉम टावर के ऊपर टेलीकॉम के डिवाइसेस लगते हैं, फिर ट्रेन के ऊपर डिवाइस लगता है, सिग्नलिंग सिस्टम के साथ पूरा इंट्रैक्शन इंटीग्रेशन करना पड़ता है, हर स्टेशन पे एक डेटा सेंटर बनता है, कंप्लीट डेटा सेंटर बनता है इसका, और फिर स्टेशन के डेटा सेंटर से पीछे कंप्लीट एक सेंट्रलाइज ट्रेन कंट्रोल का डेटा सेंटर। इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। मतलब दुनिया भर के देशों में 20 से 25 साल लगे छोटे छोटे नेटवर्क, 8000, 10000, 20000 किलोमीटर के नेटवर्क्स, अपना 50 मतलब अभी 70000, 75000 किलोमीटर का नेटवर्क है तो। लेकिन इतनी तेजी से इसमें काम चल रहा है, नए नए जो मैन्युफैक्चरर्स है वो जुड़ रहे हैं, नए डिजाइनर्स जुड़ रहे हैं, कई तरह के इनोवेशन कर रहे हैं जिसमें कि जो स्टेशन की डिजाइन करनी है उस डिजाइन को ऑटोमेट किया जा सके। मतलब ये एक ऐसी कमिटमेंट है जो कमिटमेंट मोदी जी ने स्पष्ट तौर से देश में रेलवे को सेफ बनाने के लिए की है। 1,87,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है 10 वर्षों में। अगर आप उसको कंपेयर करें तो 2.5 गुना ज्यादा है उससे। पिछले 4 से 14 में जितना इन्वेस्टमेंट था सेफ्टी पे उससे 2.5 गुना ज्यादा है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। वो रिजल्ट वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर बीच में लेकिन आगे और भी ज्यादा प्रयास करके 100% सेफ्टी की तरफ बढ़ेंगे। एक कमिटमेंट बुलेट ट्रेन को लेकर भी है। अब अश्विनी वैष्णव जी, जब इतना गड्ढा है जिसको आप भरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में कई लोग ये कहते हैं कि क्या बुलेट ट्रेन की इस देश को आवश्यकता है, आप उन्हें क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन एक ट्रांसपोर्टेशन का मींस के हिसाब से मत समझिए आप इसको। बुलेट ट्रेन को अगर आप देखोगे, बुलेट ट्रेन आपके जिस पाथ पे चलती है उस पाथ के सारे शहरों की इकोनॉमी को एक साथ जोड़ देती। मैं